माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2014 में की गई घोषणा के परिपालन में नई गढ़ी माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 3/11/2016 को ₹856.04 करोड़ की सिंचाई क्षेत्र 50,000 हेक्टेयर हेतु प्रदान की गई है। नई गढ़ी माइक्रो सिंचाई परियोजना रीवा जिले में 576 ग्रामों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का जाना प्रस्तावित है। ये परियोजना के निर्माण के लिए मैं जेपी सोसाइटी लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश के साथ दिनांक 25/9/2017 को दो अनुबंध निपाजित किए गए थे। नई गढ़ी माइक्रो सिंचाई परियोजना क्रमांक 1 के माध्यम से 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु अनुबंध किया जाना प्रतिवेदित है। इस परियोजना को जल प्रदाय बहुत ही नहर के किलोमीटर 65 ग्राम रघुराजगढ़ से प्रस्तावित है। इसी प्रकार नई गढ़ी माइक्रो सिंचाई परियोजना क्रमांक 2 के माध्यम से 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुबंध किया गया है। इस परियोजना को जल प्रदाय बहुत ही कैनाल की डगडगपुर वितरिका नहर के किलोमीटर 13 भाटी गांव से जल प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। नई गढ़ी माइक्रो सिंचाई परियोजना 1-2 का क्रम 67.68% पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य 67% होना प्रतिवेदित है। बहुत ही कनाल के निर्माण में के लिए 2 अनुबंध निष्पादित किए गए हैं। पहला अनुबंध नहर की आरडी 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक कनाल सहित के निर्माण हेतु मैं मेंटेना बहु टनल हेवी मेंटेना हाउस हैदराबाद के साथ दिनांक 12/5/2015 को किया गया है। इस अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा 79% कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष कार्य प्रगति पर है। बहुत ही नहर किलोमीटर 18 किलोमीटर 74 तक तथा वितरिकाओं एवं माइनरों के निर्माण के लिए मैं सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड अहमदाबाद के साथ 30/9/2013 में अनुबंध किया गया था। ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया परंतु कार्य अपूर्ण छोड़कर मार्च 2018 से कार्य बंद किया जाना प्रतिवेदित है। ठेकेदार को पूर्ण करने के लिए निरंतर बार बार लिखा गया है किंतु ठेकेदार द्वारा पुनः कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण बाध होकर विभाग को दिनांक 11/5/2020 को अनुबंध विखंडित करना पड़ा। बहुत ही नहर के बचे हुए कार्य के लिए निविदा दिनांक 29/6/2021 को प्राप्त हुई परंतु बाण सागर यूनिट सेकंड नहर कार्य की पुरक्षित आर्य राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निविदाएं खोली नहीं जा सकी। साधिकार समिति की 62वीं बैठक दिनांक 24 फरवरी 2022 को बाण सागर बहुउद्देशी परियोजना नहर यूनिट सेकंड पुनः प्रोचित प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव के संबंध में निर्देश दिए गए कि बाण सागर बहुउद्देशी परियोजना के अंतर्गत आमंत्रित की गई सभी निविदाएं जिनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है निरस्त किए जावे एवं पुनः प्रोचित प्रशासकीय स्वीकृति हेतु सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। उपरोक्त निर्देश के परिपालन में प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग द्वारा 21/2/2022 के माध्यम से आमंत्रित निविदाएं निरस्त की गई।
बाण सागर बहुद्योषी परियोजना नहर कार यूनिट सेकंड की पुनः पुरक्षित प्रशासन की स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रक्रिया अधीन है। पुरक्षित प्रशासन की स्वीकृति को उपरांत पुनः निविदाएं आमंत्रित कर निविदा स्वीकृति के पश्चात एजेंसी निर्धारित कर बहुची नहर के बचे हुए शेष निर्माण कार्य हेतु पुनः प्रारंभ किया जा सकेगा। वर्तमान में नई गढ़ी माइक्रो सिंचाई परियोजना का कार्य प्रगति पर है तथा बाण सागर परियोजना यूनिट सेकर नहर का जिसे बहुती कैनाल शामिल है पुनः पुरक्षित प्रशासकीय स्वीकृति यथाशीघ्र प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रयास होगा कि इसका कार्य अतिशीघ्र हम प्रारंभ करेंगे।